अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करेंगे सारे के सारे रेस्टोरेंट को, तो उसके लिए हमको एक न्यू राउट बनाना पड़ेगा। मैं प्रीवियस राउट्स को जो है ना यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोलर फाइल्स को भी क्लोज कर देंगे, और इस रेस्टोरेंट राउट्स के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू राउट बना लेंगे, और इसका नाम हम रखेंगे गेट ऑल रेस्टोरेंट्स, जिसका मेथड रहेगा गेट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको क्रिएट कर लेंगे राउटर डॉट गेट मेथड, और इसमें हम क्या करेंगे ऑथ मिडलवेयर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेट ऑल, और डायरेक्ट कंट्रोलर फंक्शन बना लेंगे। सो रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कमेंट बना लेंगे गेट ऑल रेस्टोरेंट, न्यू फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट गेट ऑल रेस्टोरेंट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और नीचे हम क्या करेंगे इसको पेस्ट कर लेंगे, यानी मॉड्यूल में आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। पेस्ट कर लेते हैं इसको, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद चलते हैं वापस रेस्टोरेंट राउट में, और यहाँ पे हमको लिखना है गेट ऑल रेस्टोरेंट कंट्रोलर, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर, और इसमें हम क्या करेंगे इस फंक्शन को पहले शुरू एसिंक कर लेंगे। एसिंक एरो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी इसमें हम रिसीव करेंगे, और ट्राई कैच ब्लॉक इसमें आप यूज कर सकते हैं। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500, उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे वापस से इसमें फॉल्स, मैसेज भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एरर इन गेट ऑल रेस्टोरेंट एपीआई, ये हमने ऐड कर दिया, और एरर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करा देंगे। ट्राई में हम क्या करेंगे सिंपल एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर देंगे, यानी जितने भी हम रेस्टोरेंट को गेट करने वाले उसको क्या करेंगे रेस्टोरेंट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, और डायरेक्ट हम अवेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास में रेस्टोरेंट मॉडल, जिसमें हमको फाइंड फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे वैलिडेशन भी हम लिख सकते हैं इफ नॉट रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट नहीं मिलता है अब क्या करो रिटर्न करो, और यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 404.send, सेंड के अंदर क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, फिर मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ नो रेस्टोरेंट अवेलेबल, अगर रेस्टोरेंट मिल जाता है तब हम क्या करेंगे डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे ट्रू, उसके बाद में फिर मैसेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर मैसेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटल जो है काउंट ऐड कर देंगे कि कितने रेस्टोरेंट अपने पास अवेलेबल है, तो आप क्या करें जो रेस्टोरेंट है ना जो हम गेट कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है ना उसको यहाँ पर चेक कर लेंगे, लेंथ चेक कर लेंगे, और जो भी रेस्टोरेंट गेट कर रहे हैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर पास करा देंगे, और मैं इसको एस लगा देता हूँ रेस्टोरेंट्स, क्योंकि मल्टीपल भी रह सकते हैं ना इसमें, क्योंकि मल्टीपल रहेंगे इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसको रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको, अब इस राउट को भी हम क्या करेंगे टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर थ्री डॉट्स पर क्लिक करिए, रेस्टोरेंट के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, और इसको हम करेंगे गेट ऑन रेस्टोरेंट, मेथड गेट रहेगा, और प्रीवियस वाला हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे यूआरएल को कॉपी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको पेस्ट कर लेंगे, क्रिएट के बदले हमारे पास है गेट ऑल, टोकन की इसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम सेंड करके चेकआउट कर सकते हैं, मेक श्योर आपका सर्वर जो है रन हो, देख सकते हैं हमारे पास सर्वर रन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे सेंड पर क्लिक करेंगे, और 404 आ रहा है, मेथड तो गेट है, एपीआई v1 रेस्टोरेंट गेट ऑल, एक बार यूआरएल चेक कर लेंगे, ये है गेट, अच्छा ये गेल हो गया, तो ये है गेट ऑल, करेक्ट कर लेते हैं इसको, सेव, चलते हैं वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, कुछ तो भी इशू है, चेक कर लेंगे वीएस कोड में देख लेते हैं, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ रहा है, ओके कहीं पर स्पेलिंग गलत है, चेक कर लेते हैं ये भी, अच्छा हाँ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स डॉट लेंथ है, अब चेक कर लेते हैं और कहीं पर है क्या, और कहीं तो नहीं है, चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे, चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए सक्सेस ट्रू, टोटल काउंट ऑफ 2, रेस्टोरेंट का एरे है इसमें आप देख सकते हैं, बराबर से हमारे पास डेटा आ रहा है, इसमें कॉर्ड्स है, फिर उसकी आईडी है, टाइटल, इमेज, फिर फूड, फिर जितना भी डेटा आपने ऐड किया होगा ना ये सारी चीज़ें यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे सिंगल रेस्टोरेंट को भी गेट करेंगे, तो उसके लिए भी सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमको आईडी की मदद से जो है इसको गेट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना एक और कमेंट बना लेंगे गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, और इसका भी जो मेथड है वो रहेगा गेट, सो आप यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट गेट, गेट के अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले सिंपल गेट करेंगे रेस्टोरेंट को स्लैश कोलन आईडी, आईडी के बेस पर हम उसको गेट करने वाले हैं, इसमें हमको चाहिए
इसमें भी टोकन की जरूरत नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे सिंपल फंक्शन कॉल कर देंगे। सो नीचे एक न्यू फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, कॉन्स्ट गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, और नीचे हम क्या करेंगे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो इसके बाद में मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको, और अब राउट में जाके इसको इम्पोर्ट कर देंगे। सो गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी इसको इम्पोर्ट कर देंगे, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इम्पोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस कंट्रोलर के अंदर। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे एसिंक कर लेंगे, और फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेड डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे सेंड कर देंगे, तो सेंड सेंड में हमको सक्सेस को कर देना है यहाँ पर फॉल्स। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, एरर इन गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी एपीआई यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। साथ ही में जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे आईडी को गेट कर लेंगे पहले शुरू, जैसे कि इसको एक वेरिएबल में भी आप स्टोर कर सकते हैं। कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पराम्स डॉट आईडी, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं गेट कर रहे हैं, या फिर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ रेस्टोरेंट आईडी, कुछ इस तरीके से। इसकी मदद से हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, तो कमेंट भी बना लेता हूँ फाइंड रेस्टोरेंट, और उसके बाद में एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट रेस्टोरेंट, क्योंकि ये मिलेगा तो इसको स्टोर कराना पड़ेगा, इसीलिए हमें रेस्टोरेंट के नाम से एक वेरिएबल हमने बना लिया। उसके बाद में फिर रेस्टोरेंट के मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें से हम क्या करेंगे फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे रेस्टोरेंट आईडी को पास करा देंगे, और वैलिडेशन भी परफॉर्म कर लेंगे साथ ही में। इफ नॉट रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट नहीं है तब क्या करो यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्टोरेंट स्टेटस 404, फिर सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे नो रेस्टोरेंट फाउंड। उसके बाद में हम क्या करेंगे जैसे अगर हमको रेस्टोरेंट मिल जाता है तब यहीं से जो है रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्टोरेंट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन, इसमें सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, या फिर मैसेज की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जो भी रेस्टोरेंट है ना उसको यहाँ पर पास करा देंगे। सो रेस्टोरेंट सेव कर लेते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और यहाँ पर अगर आपको इस रेस्टोरेंट आईडी का भी वैलिडेशन करना है ना तो आप कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट रेस्टोरेंट आईडी, अगर आईडी नहीं मिलती है तब भी क्या करो यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्टोरेंट स्टेटस स्टेटस ऑफ 404, उसके बाद में यहाँ पे सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्लीज प्रोवाइड रेस्टोरेंट आईडी, सेव कर लेते हैं इसको, तो ये भी एक वैलिडेशन हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं पोस्टमैन में, और रेस्टोरेंट के अंदर एक और न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे, और ये फोल्डर हो गया, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले शुरू, डिलीट। यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट बनाना है, एड रिक्वेस्ट गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, और प्रीवियस वाला यूआरएल यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। गेट ऑल के बदले सिंपल गेट है, अभी अगर मैं सिंपल गेट करूंगा ना तो एरर शो करेगा, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए 404 का जो है एरर अपने को देखने मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना आईडी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, या फिर रैंडम वैल्यू ऐड कर देता हूँ, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए एरर आ रहा है यहाँ पर, तो ये कास्ट का एरर आएगा, इसको भी फिक्स करेंगे बाद में, डोंट वरी। अभी आपको क्या करना है आईडी को कॉपी करना है, तो डेटाबेस में से मैं एक आईडी कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए पिज्ज़ा हट है ना, इसको कॉपी कर लेंगे और इसकी आईडी में यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस ट्रू। इसका टाइटल सेम है जो हमने आईडी को कॉपी किया था, तो परफेक्टली अपने पास गेट ऑल, और फिर सिंगल रेस्टोरेंट भी यहाँ पर गेट हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे डिलीट पर काम कर लेंगे,